नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्रियों की नाराजगी के बीच दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम संग आलाकमान से हो सकती है मुलाकात। कल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में होंगे शामिल। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा, 3% बड़ा महंगाई भत्ता, 31% की जगह 34% मिलेगा महंगाई भत्ता। यूपी के हाथरस में रफ्तार का कहर, कावड़ियों के जत्थे को डंपर ने रौंदा, हादसे में 6 की मौत, 1 गंभीर घायल। हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे थे ग्वालियर। बाराबंकी के तेलवारी गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या, सड़क किनारे गड्ढे के पास मिला युवक का शव, मृतक के सिर और शरीर पर मिले गहरे घाव के निशान, मामले की जांच जारी। यूपी के 16 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने की चेतावनी जारी, लखनऊ समेत कई शहरों में हुई बरसात। अब खबरें विस्तार से। यूपी में ट्रांसफर विवाद के बीच आज योगी सरकार दिल्ली में है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि आज इन लोगों की मुलाकात आलाकमान से हो सकती है। यूपी में ट्रांसफर विवाद के बाद कई विभागों के मंत्री और अधिकारियों के बीच का विवाद सामने आ गया है और वहीं जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे वाला पत्र भी सामने आया था। सूत्रों का दावा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ और बृजेश पाठक की मुलाकात भी जेपी नड्डा से हो सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम योगी को योगी की अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। ऐसे में भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की चर्चाएं हैं। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोनों पदों के लिए नए नामों का ऐलान हो जाएगा। अब राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है। संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली पहुंचे सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की भाजपा आलाकमान से मुलाकात के बाद इन नामों की घोषणा हो जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम द्रौपदी मुर्मू को बधाई भी देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत में यूपी की भी बड़ी भूमिका रही है। वहीं 24 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली है। इसमें सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब 31% की बजाय महंगाई भत्ता 34% मिलेगा। ये महंगाई भत्ता जनवरी से मिलेगा। बता दें कि राज्य कर्मचारी इस मांग को लेकर 25 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे। राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की फाइल को वित्त विभाग ने मंजूरी के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास भेजी थी, जिसे मंजूरी अब मिल चुकी है। वहीं सीएम ऑफिस की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। यूपी के प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में मोदी एट द रेट 20 संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में बढ़ रहे जातिवाद, वंशवाद की जगह राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आज देश इस दिशा में बढ़ भी गया है, देश का नौजवान भी राष्ट्रवाद की ओर चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
साहसिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें चुनौतियों का सामना करना और उससे लड़ना बखूबी आता है। पीएम ने 20 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पारी का प्रारंभ कर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश एवं राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लेना हुआ उसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं दिखाई। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य, चीफ प्रोक्टर रज्जू भैया समेत अनेक लोग वहां मौजूद रहे। अब खबर लखनऊ से है, जहां नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मानसून के चलते शहर का निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री एके शर्मा ने सिविल अस्पताल के पास होने वाले जलभराव, गोमती नगर में स्थापित बाढ़ पंपिंग स्टेशन सहित उपमन्यु वाटिका और पार्क का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बरसात के जल निकासी के लिए समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए और पार्क की साफ सफाई और बेहतर रखरखाव के लिए जन सहयोग लेने का भी निर्देश दिया। नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से बहुत ही विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले सुबह उठ करके 5 बजे से सफाई करना, दिन में जहां आवश्यक हो वहां दिन में भी सफाई करना, रात में जहां आवश्यक हो वहां रात में भी सफाई करना, कुल मिलाकर के सफाई पर विशेष ध्यान देना, साथ में नले नालों और नलियों की सफाई करना जिससे बरसात में पानी न लगे, चौराहों का सुंदरीकरण करना, नए उद्यान बनाना, नए सरोवर बनाना, भारत के अमृत महोत्सव के दरमियान अमृत सरोवर और अमृत उद्यान बनाना, इन सब कामों को करते हुए हम जो अपने नगर हैं उनकी शोभा कैसे बढ़ावें, उनकी सुंदरता कैसे बढ़ावें, इस अभियान की एक तरह से सफलता के द्योतक के रूप में आज इस मुस्कुराई है कि आप लखनऊ में हैं, इस म्यूरल का हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। लखनऊ राजधानी है, इस नगर को दूसरे नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जो लखनऊ की जो एक पुरानी टैग लाइन है मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और हमने काम करके दिखाया है और आगे भी इस काम को हमें आगे बढ़ाते हुए लखनऊ के नागरिकों के जीवन में खुशी आवे, आनंद आवे, मुस्कुराहट आवे, इस सुभावना के साथ आज इसकी शुरुआत की। यूपी के हाथरस में तेज रफ्तार से आ रहे एक डंपर की चपेट में आने से 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल है जिसे आगरा के अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जा रहे थे, इसी दौरान हाथरस में यह हादसा हो गया। घटना के बाद आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। डंपर चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। यूपी के बाराबंकी से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने विक्रम गौतम की धारदार हथियार से हत्या कर शव को सड़क किनारे गड्ढे के पास फेंक दिया। बता दें कि मृतक विक्रम गौतम अपने घर से निकला था। मृतक के सिर और शरीर पर गहरे घाव के निशान भी पाए गए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना थाना रामनगर क्षेत्र के तेलवारी गांव की है। और रामनगर के तेलवारी गांव में तेलवारी से परसिया जाने वाले खड़ंजे के पास एक युवक की सुबह शव देखा गया, और युवक का नाम विक्रम है जो यहीं तेलवारी का रहने वाला है, और छानबीन से उसके सिर में चोट पाई गई। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसको सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है, और बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम कराने के वास्ते भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और जैसा भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की। यूपी के बुलंदशहर निवासी तानिया सिंह ने सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में 500 में से 500 अंक प्राप्त कर सभी को चौंका दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल की तानिया को अंग्रेजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक में 100% अंक मिले। ऐसे में तानिया सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापक और अपने परिजनों को दिया है। तानिया ने बताया कि वह सिविल सर्विस से देश की सेवा करना चाहती है।
तानिया इस बार बहुत मेहनत से इसको इसने ये मुकाम हासिल किया है 500 में से 500 नंबर, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एक नंबर कम है उससे ये कभी फर्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से CBSE टॉपर रहे हैं, जिसमें के बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं। सर टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई। सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। महाराजगंज के कोलहुई थाना क्षेत्र स्थित बेसलापुर गांव में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। वहीं पैंथर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया जिसको लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पैंथर के रेस्क्यू में जुटी हुई है। सूबे की योगी सरकार जहां सब पढ़े सब बढ़े का नारा लगाते हुए सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, वहीं लखीमपुर खीरी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर सरकार की दावों की हवा निकाल रहे हैं। दरअसल बेजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली छात्रा ने स्कूल टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि छात्रा ने बताया कि स्कूल टीचर्स उससे शौचालय की साफ सफाई करवाती है, वहीं मना करने पर नाम काट का भविष्य खराब करने की धमकी देती है। ऐसे में छात्रा के परिजनों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी को पत्र लिखकर की है। वही लेटरिन वेटरिन साफ कराया और जब हमने बोला उसे तो बोला नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, और शिकायत उकायत लेके गए वो भी जाने नहीं दिया। का बहुत वहाँ का कस्तूरबा मैं गांधी में पढ़ती थी, मैं लेटरिन साफ कराई गई और बहुत से समस्या हैं। अब कहते हैं जो हम गए शिकायत जब लेके गए भैया तो कहीं बहुत शिकायत तेज तुम भी हो, तुम भी तुम्हारा बच्चा तेज है, तो हम कैसे कहूँ तुम्हारे सामने कहेगा तो कहा तुम नहीं मारोगी। देखो मेरा कुर्ता फाड़ दिया बच्चों ने, तो भैया वो बोली मैम कि बात करने की तमीज़ नहीं है और शिकायत करने आ गई हो, चलो जाओ यहाँ से। अपर्णा मैम ने ये बोला और जब हमने वहाँ हम बात करने गए हमने कुछ यही सब कहा उनके सामने, तो वो बोले चलो जाओ ऑफिस के सामने जाओ, यहाँ तुम लोगों का काम नहीं है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं ये सब कहने लगी। किसी की बात को नहीं सुनती हैं, अपनी ही बात रखती हैं। हो मुस्लिम बच्चों सारे बच्चों का नाम काट कर भगा देंगे, एक को नहीं रखेंगे, और तुम लोगों के बाप को अगर पढ़ाने की औकात होती तो यहाँ पे नहीं रखा होता, प्राइवेट पढ़ाते, यही सब कह रही थी। वहीं वाराणसी में आगामी सोमवार को आने वाले कांवड़ यात्रियों और भक्तों के हुजूम के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल दर्शन को लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच नेशनल हाईवे 2 का एक लेन गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। हाईवे का एक लेन प्रयागराज से काशी आने वाले कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा, साथ ही साथ कांवड़ियों के रास्ते में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और मंदिर में सुगम दर्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कांवड़िये हमारे 5 रूटों पर आते हैं, लेकिन मुख्य रूट प्रयागराज रोड है, उसमें हम लोगों ने जो उत्तर की लेन है उसको आज दोपहर से लगभग बंद कर दी है, ये सोमवार तक बंद रहेगी। इसके अलावा हमने 112 की गाड़ियां वहां लगा रखी हैं, थाने की मोबाइल लगा रखी हैं, मोटरसाइकिल मोबाइल लगा रखी हैं, और शनिवार से लेकर के हम हर कट्स पर और जहां भी क्रॉसिंग है उन पर सपर ड्यूटी लगा रखे हैं। इसके अलावा भी जगह जगह जहां उनके रुकने की व्यवस्था है वहां पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई बात ना होने पावे। अगली बात है जहां मंदिर है, विशेष करके जो कैथी में महादेव मंदिर है उसमें काफ़ी व्यवस्था की गई है, हर तरह से पब्लिक को किस तरह से आसानी से वहाँ पर दर्शन हो सके
जो वहाँ मेला होता है, मेले की पूरी व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा। खबर की ओर, फतेहपुर के हंतगाम में भारतीय पंचायत परिषद राजनीतिक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बलराम पाल को घोषित करने के बाद पंचायत परिषद कार्यकारिणी का विस्तार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया, जहां संगठन को मजबूत बनाने और प्रधानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने पर चर्चा हुई। इसी दौरान हर महीने की 11 तारीख को बैठक कर ब्लॉक अध्यक्ष बलराम पाल के नेतृत्व में प्रधानों की समस्याओं के निस्तारण करने को भी बात कही गई। उसी दौरान प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद आरिफ समेत कई ग्राम प्रधान वहां मौजूद रहे। यूपी के महाराजगंज में बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के कई प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन योजना की गुणवत्ता की जांच की, साथ ही बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई को लेकर और व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके और बच्चों की 100% तक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भोजन योजना का लाभ बच्चों को दिया जा रहा है। जालौन जिले में कई विद्यालयों के भवन जर्जर हो चुके हैं। इन विद्यालयों में बारिश के चलते छत से पानी टपकता रहता है, वहीं दीवारों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में जान हथेली पर रखकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यह आलम तब है जब मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने का दावा किया जा रहा है। पूरा मामला कोच विकास खंड के सहपुरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां के विद्यालय का वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान भी जोखिम में है। स्कूल के अंदर पानी रिसकर घुस गया है। वहीं इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन ने बताया कि कई स्कूलों में पानी घुसने की शिकायत मिली है, जिनमें मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। मानसून के लिए हमारी जहां तक अभी हमको भी ये सूचना मिली है, कुछ लोगों ने मुझे सूचित किया है कि कई विद्यालयों में पानी की समस्याएं हुई हैं, तो उसके लिए हमने मनरेगा है और पंचायत विभाग से बात करी है, जिससे विद्यालयों में जल निकासी की व्यवस्था की जाए और मिट्टी भराई की जाए, जिससे वहाँ पे पानी ना लगे। इसके लिए जो योजना बनाई जा चुकी है और कई जगहों पे स्टार्ट कर दी गई है, तो ये जल्द ही मतलब पूरा हो जाएगा जी। हमने पूरे जनपद स्तर पर 292 विद्यालय चिन्हित किए हुए हैं, जिनमें हमारी एक तकनीकी कमेटी गठित हुई थी, जिसने 193 विद्यालयों को जो है चिन्हित कर दिया और 100 विद्यालय हमारे बचे हुए हैं, जो कि जल्दी ही चिन्हित हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी जल्दी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद SMC के माध्यम से ये जो भी जर्जर भवन है या अतिरिक्त कक्ष। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग जिले की महिला जिलाधिकारी नेहा जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो लोग नेहा जैन पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बताए गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग जिलाधिकारी नेहा जैन से ITI कॉलेज के मनमानी फीस वसूलने की शिकायत करने पहुंचे थे। इस पर जिलाधिकारी की ओर से सुनवाई ना होने पर कार्यकर्ताओं ने उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। इस दौरान उनकी जिलाधिकारी नेहा जैन से नोकझोंक भी हुई। थे उन्होंने अपने आप को कथित तौर पे बताया था कि वो विश्व हिंदू परिषद के हैं, परंतु इसकी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। परंतु जो भी व्यक्ति आया था, क्योंकि जनसुनवाई में हम बैठे थे, तो उन्होंने हमें 4 एप्लीकेशंस दिए, तो 3 एप्लीकेशंस में सुनवाई करने के बाद 4th एप्लीकेशन वो थी, उन्होंने किसी ITI में कोई भ्रष्टाचार की एक शिकायत करी थी। परंतु प्रकरण में कथित तौर पर जो व्यक्ति आया था, जो VHP का अपने आप को बता रहा है, मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, तो उसका मैंने उसने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी वीडियो भेजा था, तो मैंने उससे उस समय भी ये बात पूछी थी कि आप कैसे स्कूल के अंदर जाके वीडियो बना रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि क्या हम वीडियो नहीं बना सकते, ये वो। तो मुझे लगा क्योंकि वहाँ पे महिलाएं पढ़ती हैं, ITI में ट्रेनिंग होती है, तो किसी भी व्यक्ति का, भारी व्यक्ति का ऐसे जाके वीडियो बनाना सही नहीं है।
यूपी के लखनऊ, कानपुर, बनारस समेत पश्चिम और पूर्वांचल में हल्की बरसात दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 10.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मानसून शुरू होने से अब तक 108.7 मिमी बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, उन्नाव समेत 16 शहरों में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मानसून अब एक्टिव होने के बाद से अनुमान के हिसाब से 58% कम बरसात हुई है। फिलहाल इटावा जिले में 60.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग ने लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, फारुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। संभावना जताई जा रही है कि 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के बीच बारिश और बिजली की गरज चमक भी होगी। फिलहाल के लिए एवन उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी।